हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको रीइंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। रीइंश्योरेंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रॉपर्टी इंश्योर करवाई होती है उसके लगता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिर से उस प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाती है। और इस बार इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लेती है और किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। ए जो है वो इंश्योर्ड है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका उसने इंश्योरेंस करवाया है बी के पास। बी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पे ए इंश्योर्ड है और बी इंश्योरर है। तो बी को लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो बी उस प्रॉपर्टी का फिर से इंश्योरेंस करवाता है सी के पास। सी और एक इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है। तो इंश्योरेंस तो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का हो चुका है ना, तो अब फिर से हो रहा है, तो इसलिए हम री इंश्योर वर्ड यूज़ करते हैं। तो बी जो है वो सी के पास इंश्योर करवा रहा है, तो जो सी इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरर है, बी जो है वो री इंश्योर्ड है, और ओरिजिनल इंश्योरर इंश्योर्ड जो है वो ए है। तो इस ये है री इंश्योरेंस का मतलब। थैंक यू।